बताइए कौन सा स्टॉक है। मेरे पसंदीदा सेक्टर से ही है। सीमेंट। हाँ बिल्कुल, जब आज सीमेंट का ही फ्लेवर, तो हम सुबह बात कर ही रहे थे कि हाँ सीमेंट, और उसके बाद एसीसी आपको पसंद आया। मेहरबून सर भी OCL कह रहे हैं, 98 रुपये दाम है। प्रिज्म जॉनसन ये है वो स्टॉक, और वजह क्लियर है कि ठीक है सीमेंट शेयरों में तेजी बन रही है, वो अपनी जगह है, लेकिन इस कंपनी के रिजल्ट बेहतरीन आएंगे, शानदार एकदम। पिछली बार भी हमने रिकमेंड किया था, स्टॉक के रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन। अब बाजार के साथ स्टॉक तो ऊपर नीचे होंगे, वो तो अलग, वो अपनी जगह है, लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दमदार होनी चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। जैसे हम GSFC के केस में भी बात कर रहे थे कि जी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दमदार है, और प्रिज्म जॉनसन में भी बेहद दमदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आएगी। उसकी वजह बता दूँ, जहाँ पर इनकी लोकेशंस हैं वेस्ट इंडिया में, उसके आसपास के कई सारे सीमेंट प्लांट्स बंद हो चुके हैं, तो इन्हें प्राइसिंग पावर भी है और डिमांड प्रोडक्शन और का भी डिस्पैच का भी फायदा मिलेगा, तो ये डबल बेनिफिट मिलेगा। मजे की बात ये देखिए, 5,500 करोड़ की सेल्स करती है कंपनी, सिर्फ 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वन टाइम सेल्स भी नहीं है, वैल्यूशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो वैल्यूशंस के लिहाज से जगह है ऊपर जाने की। मुझे लगता है कि रिजल्ट तक ही ये, अगर यहाँ से पहले शॉर्ट टर्म टारगेट शायद 104-105 के आसपास का रख लें, और बाद में अगर मार्केट ठीक रहा और रिजल्ट तक, तो अगर 115-120 भी हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो बस वही है कि मार्केट ठीक रहना चाहिए, नहीं तो अलग बात है, अदरवाइज कंपनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बाजार का सपोर्ट चाहिए और कुणाल जी के चार्ट का सपोर्ट भी चाहिए प्रिज्म जॉनसन पर। अरे जी, बेहतरीन खरीद है, और मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट अभी 98 रुपीज़ के ऊपर आता हुआ दिखा है, 104 पर अगला रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से भी 4 रुपये ऊपर की तेजी के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। मुझे लगता है 104 पहला टारगेट और 110 दूसरा टारगेट होना चाहिए। डेफिनेटली इसमें ब्रेकआउट है और ये पूरे सेक्टोरल मूव है, तमाम सीमेंट स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। तो तमाम सीमेंट स्टॉक्स में ब्रेकआउट दिख रहा है, 104-105 के टारगेट के लिए रखें। स्टॉप लॉस क्या बताया सर? स्टॉप लॉस 97 पर रखना। 97 पर स्टॉप लॉस, परफेक्ट है। तो जाते जाते ये एक और स्टॉक है जो आप ट्रेड कर सकते हैं, एक और स्टॉक है जिसका जिक्र अनिल जी, तो हम दोनों के रडार पर है इसको, हम जुगलबंदी चार्ट में, मतलब कि मेरे को लगता है स्टॉक ये बड़ा तेजी से गिरेगा, ये स्टॉक अच्छा गिरने वाला है, गिरने वाला बेचने है, वाला नहीं है, बेचने वाला, वर्ड ऑफ बेचने कॉशन। वाला है, सॉरी खरीदने वाला नहीं। हाँ।